अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। पता नहीं जी क्यों मुझे खाते हुए रात के 12 ही बज जाते हैं। अभी भी मैं खाना खाने लगी तो मुझे याद आया कि मैंने तो व्लॉग ही नहीं बनाया। अभी मैंने मोबाइल उठाया, चमचा रख के और फ़ौरन से मैंने व्लॉग बनाया कि जी ए वेख लो जी मैं दही भल्ले खा रही हूँ। पता नहीं क्यों ज़रूरी होता है व्लॉगरां वास्ते कि जो खाना है वो सारा कुछ वो खाना है। ये जो मिड नाइट क्रेविंग्स होती हैं ना कुछ भी खाने की, ओ माई गॉड अल्लाह बचाए इससे। उस टाइम तो दिल कर रहा होता है कि बस कुछ ना कुछ सामने आ जाए और अल्लाह भला करे कि लाहौर में रहते हुए ये सब कुछ पॉसिबल है कि आपको दिन दिहाड़े आधी रात जो कुछ चाहिए आपको फौरन मिल जाता है। एंड क्रेडिट गोज़ टू मियां जी। चलें जी, पेट पूजा हो गई, अब मैं लगी हूँ सोने। गुड मॉर्निंग जी। दिल मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा सी कोई भी काम करो नू, इधर चीजें उधर चीजें देख के मुझे कुछ हो रहा था। लेकिन आज का मेरा प्लान था कि मैंने इस रूम का मेक ओवर करना है, और जब आपके पास कुछ भी ना हो जो चीजें घर में अवेलेबल हो उनके साथ करना हो तो पता नहीं दिमाग की दही बन जाती है। लेकिन करना है तो बस करना है, क्योंकि बहुत सी लड़कियों को इससे आइडिया मिलने वाला है कि आप किस तरह शॉप पे जाए बगैर अपने घर को मेकओवर कर सकते हैं। रूम में शीट और कारपेट बिछा के भी गुजारा नहीं, उसके बाहर भी गुजारा नहीं है। तोड़े मशीनें तो वैसे ही मुझे पड़े हुए जहर लगते हैं जहर, लेकिन अब क्या करूं। अभी मैंने आयरन स्टैंड प्लस मशीन के लिए जो भी टेबल वगैरह बनवाना है वो अभी मैंने डिले किया हुआ है, टिल डेट मुझे इसको कहीं ना कहीं पे निपटाना होगा। और ये जी मैं अभी आपके सामने वाइंड अप करूँगी कि यहाँ पे मैंने क्या करना है क्या नहीं। मैं सोच रही हूँ कि इस वाले एरिया पे मैं कोई कारपेट भी छा दूँ। दो मेरे पास पीस हैं कारपेट के लंबाई में और एक मेरे पास है चटाई, वहाँ तक वो दोनों बिछ जाएंगे। और ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ से उठाने वाली हूँ। ये ऊपर तो अल्फ़ाबेट्स बर्थडे वाले पड़े हुए हैं और ये सारा एरिया जो है ना यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि मैं चटाई बिछाऊँ। लेकिन अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है, ये सारा मैंने वॉश करना है, वॉश करके मोप लगाना है, मोप लगाने के बाद तपड़ियाँ लगानी है, दत तेरे दी अनियाँ पा देनी है, और उसके बाद में होगा, उससे पहले मैं वॉश कर लूँ। ये जी दो पीस है मेरे पास कारपेट के, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इनको किस तरह वॉश करूँगी, लेकिन मैंने शुरुआत कर ली है, करनी पड़ती है, क्या करें सर पर पड़े तो करना पड़ता है। पापा दिया परियां दा अज दा दिन कहो जा लंघेगा, तुहाडे सामने सब कुछ लाइव वखावेंगे, ऑन एयर वॉश होएगा सारा कुछ। जिदा सारे तो लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, उदा मैनू भी ये लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं करके वखावांगी कि जैसी करिए तैसी कर सकते हैं, तो बिल्कुल करते भी हैं, क्यों नहीं करते बताऊँ। तो मुझे हॉल उठ रहे हैं कि बैठ होने के बाद ये कितना भारी होने वाला है। अच्छा जी, मैंने शुरुआत कर ली है, ये प्रोजेक्ट है मेरे लिए, ये मैंने स्टार्ट कर लिया। इसके लिए मैंने सारी मशीनरी मंगवा ली, आई मीन पाइप सरफ और ब्रश मैंने रख लिया। अभी मैं इसको अच्छी तरह से वेट होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ा ताकि अच्छी तरह से वेट हो जाए सारा, उसके बाद इसकी नाइयाँ धुलाइयाँ शुरू होने वाली हैं। सीन ये है कि मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि बहुत सी लड़कियाँ सोचती होंगी इसको वॉश करने के उन्हें हिम्मत नहीं आती। आई होप कि मेरी वीडियो बहुत सी ऐसी लड़कियों के पास जाए जो ये सोच के अभी तक बैठी हुई होंगी कि कैसे उठाएंगे इसको, कैसे वॉश करेंगे। चले जी, वॉश करने का इफ्तिताह हुआ है। मेरी शहजादी बेटियाँ जो 4 से 5 साल की हैं माशाल्लाह इतनी हेल्प करती हैं सारा दिन मेरी, डेट आई हैव नो वर्ड्स टू टेल। इवन बच्चों को हमेशा अपने साथ काम में इंगेज करना चाहिए, इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल डिवेलप होता है, लर्निंग स्किल प्रूव होता है। मुझे अच्छे से वेट करके इसके ऊपर मैंने सरफ बखेर के और अच्छी तरह से ब्रश मार दिया था दोनों पीसेस के ऊपर। एंड पूछो ना किनिया मेरिया बावा दा जोर लग गया है। 5 से 10 मिनट का इसको और खुद को रेस्ट देने के बाद मैंने इसके ऊपर फिर बिंदास ब्रश फेरा। ये छोटी 4 साल की शहजादी अब अपने छोटे छोटे हाथों के साथ इसको वॉश कर रही है। ना भी सुस्त ना बनिया करो कुड़ियों, जो भी चीजें आप लोग स्टोर रूम में रखती हैं अगर आप उसको कुछ महीनों के बाद निकालती हैं तो उसको अच्छे से वॉश करके फिर आप अपने रूम में यूज किया करें, और या फिर आप उसको वॉश करके ही रखा कर रहे। बिहाइंड द कैमरा से तुम्हें मैंने तो वखाइयाँ नहीं है, लेकिन ये देखें जो मैंने सारा कमरा ये अच्छी तरह से वॉश कर लिया, झाड़ू लगा दिया, वॉश कर दिया, मॉप लगा दिया, वाइपर लगा दिया। अब जी इसको मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया, ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, उसके बाद यहाँ पे बाकी का टशन मशन होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कल तो हो गई सी मेरी बस, तो मैं तुहानू बाकी का वखा नहीं सकी। ओ मेरिया हड्डियाँ च दर्द होया, ओ मेरा हाल होया कि तुहानू मैं की दसा। ठन ठड़ा हेयर वी गो। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एक काम करना है वो करके ही छोड़ना है। अब जैसा मैंने व्लॉगिंग कल बीच में छोड़ दी थी कि मैं कल दिखा दूंगी, तो आज मैं अब आप लोग को दिखाने लगी हूँ। ये देखें जी, वो मैंने दो पीस, वो चाहे नमाज के नीचे आपको नज़र आ रहा होगा एक पीस और दूसरा पीस है ये बड़े वाला, तो इन दोनों को मैंने इस तरह से बिछा दिया और साथ मैंने चटाई भी छा दिया। अगर मैं इसको बहुत आगे तक नहीं लेके गई हूँ क्योंकि यहाँ से फिर इसका चटाई के साथ वो मतलब ये इक्वल नहीं था होना, तो वहाँ पर मैंने चाहे नमाज भी छा के कवर कर दिया है। अच्छा जी, मेरी क्या ख्वाहिश थी नए घर को लेके, मेरी ये ख्वाहिश थी कि जब भी मेरा नया घर बनेगा तो उसमें एक प्रेयर एरिया होना चाहिए, एक स्पेसिफिक प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे दीन से रिलेटेड सब कुछ हो जाए।
जाय नमाज, कुरान पाक, यासीन, मंजिलें, तस्बियां, काउंटर, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपके वहाँ पे रेडी होनी चाहिए। ऐसा हिस्सा होना चाहिए जिसको देख के आपको सुकून मिल सके। तो और दूसरा मेन पॉइंट इसका ये था कि समटाइम होता है कि हम नमाज जब पढ़ने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम शैतान के बहकावे में आके हमें इतनी तौफीक नहीं मिलती कि हम इन बहकावों में आ जाते हैं कि कौन वजू करे, कौन जाय नमाज बिछाए। तो इन सब से मैं जो है फील फ्री करना चाह रही थी खुद को, तो मैंने ये किया कि मैंने एक जाय नमाज यहाँ पे बिछा दिया। ये हर वक्त यहाँ पे बिछा ही रहे, कोई भी बहाना, कोई भी सुस्ती जो है ना वो मेरे और नमाज के बीच में ना आ सके, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दिए रखे। अब सीन क्या है कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ के साथ इसको बिछाया है, यहाँ से मैंने मशीन और वो तोड़ा वगैरह भालुओं का सब कुछ उठा दिया है। यहाँ पे ड्रॉ में मैंने अब रखी हैं चीज़ें ऐसी कि जो मेरी एक्सेस में हो। वैसे तो इसके लिए बहुत प्यारा सा एक रैक होना चाहिए जिसमें आप सारी ये चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकें, और जितनी कीमती हो, जितनी अच्छी चीज़ें हों, जितनी खूबसूरत हों, तो उतना ही ज़्यादा ज़ोक भरता है इंसान का। अब यहाँ पे ड्रॉ में मैंने एक जाय नमाज रखी है और कुरान पाक रखा है, या सीने रखी हैं, तस्बियाँ रखी हैं, काउंटर रखे, जो जो कुछ मेरे पास अवेलेबल था वो मैंने रख दिया है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स वेरी हेल्पफुल। मतलब मेरी बहुत सारी जो नमाज तक पहुंचने की जो हमारी सुस्तियां, काहलियां थी, जो कुछ भी था, वो सब काफ़ी हद तक जो है कवरअप हो चुका है। क्योंकि मैं वीडियो बाद में एडिट कर रही हूँ, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इस सेटिंग को काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं सारी नमाज़ें अदा कर सक रही हूँ यहाँ पे बैठ के। मैं मतलब मुझे ये सोचना नहीं पड़ता नमाज के बाद कि अब मैं उठ के जाऊँ, तस्बीह लेके आऊँ, उठ के जाऊँ या सीन लेके आऊँ या कुछ भी। तो मैं यहाँ सुकून से बैठ के एक ही मतलब हाथ के डिस्टेंस पे मैं वो सब कुछ मेरी एक्सेस में है जो कुछ मुझे इबादत के लिए चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये देखिए मेरी बेटी यहाँ पे आई है, उसने यहाँ पे देखा मुझे ये सब बातें करते हुए, तो वो माशाल्लाह यासीन उठा के बैठ गई है और वो पढ़ना शुरू हो गया है। सो द थिंग इज़, जो मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ, बच्चों में भी नॉलेज आती है। और देखें अब जिस तरह से वो पढ़ रही है, इंगेज हो रही है, इंटरेस्ट शो कर रही है, तो अल्लाह करे कि ये इस तरह ही मेंटेन रहे और अल्लाह हमें हदायत दे कि हमारी जो भी सुस्तियाँ काहलियाँ हैं जो हमें नमाज से दूर करती हैं वो दूर हो सकें। और मुझे इंशाल्लाह जब फ्यूचर में मैं अपना घर दोबारा रेनोवेट करवाऊँगी तो मैं एक अलग से रूम इसके लिए ज़रूर स्पेसिफिक करूँगी जो सिर्फ इबादत का होगा, और उसमें ईच एंड एवरी थिंग सब कुछ इसी से रिलेटेड होगा। और एक और बात कि मैं एक से दो शॉल्स भी फुल साइज की यहाँ पे ड्रॉ में रख दूंगी ताकि मुझे नमाज पढ़ते हुए अगर मेरा दुपट्टा किसी भी वजह से पाक नहीं है तो मुझे उस चीज़ की भी टेंशन ना हो, मतलब मेरी बस नमाज के रास्ते में कोई रुकावट ना है। देखें जी, दुनिया चंद दिन की है, ठीक है, जो जा चुके हैं ना उनको देख के अगर आप ये समझ जाएं कि हमारे बाद भी लोग इस तरह से ही सर्वाइव करेंगे, तो यकीन करें कि आपको बहुत सी हकीकतें समझ आ जाएंगी। अगर हमें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं, अगर हम दुनियादारी में इतना मसरूफ़ हैं कि हम अपने लिए, अपनी नमाज़ों के लिए वक्त नहीं निकाल सक रहे, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि जो जा चुके हैं उनके बाहर भी दुनिया चल रही है तो हमारे बाहर भी चलेगी। तो अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए आप लोग ज़रिया बने, उनको भी इंगेज करें इन कामों में और ख़ुद भी इन्वॉल्व हों, और नमाज में खुदारा कुताही ना किया करें। सिर्फ इतनी सी एक कॉर्नर में सेटिंग कर लेने के बाद ही मेरा ज़ोक इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना इंटरेस्ट मेरा इसमें डेवलप हो रहा है कि मेरा दिल कर रहा है कि अब मुझे जो कुछ भी बाज़ार में इससे रिलेटेड नज़र आए मैं लेके आती जाऊँ और उसको इधर डेकोर करती जाऊँ। जब हम अपने सिटिंग एरिया, अपने बेडरूम्स को इतना डेकोर करते हैं तो वाई वी डोंट डू दिस फॉर आवर प्रेयर एरिया, हम अपनी नमाज के एरिया के लिए ये सब क्यों नहीं कर सकते। ये मत भूलें कि हमारे सिटिंग एरिया और बेडरूम्स में तो हमारी सिर्फ लोगों से मुलाकात होती है, और जो हमारा प्रेयर एरिया है, नमाज की जगह, वहाँ पे तो हम रब्बे कायनात से मुलाकात करते हैं। तो हम किस तरह उनके सामने इस तरह से जाएं कि मतलब हमारी वो जगह एक ख़ास हो ही ना। मैं कहती हूँ कि ये एरिया आपके घर में सबसे ज़्यादा हसीन तरीन होना चाहिए। यकीन करें कि जब आप एक स्पेसिफ़िक एरिया नमाज के लिए सेट कर लेंगे तो आप जब भी किसी भी टेंशन में होंगे, जब आप वहाँ पे सिर्फ जाएंगे ही, तो आपको वहाँ पे इतना सुकून मिलेगा कि अभी इबादत शुरू करना या नमाज पढ़ना, उसके बाद का सुकून, तो एक तरफ आपको वहाँ पे बैठ के ही बहुत सुकून, बहुत रूहानियत फील होगी। सो इन शॉर्ट, एक अगर आपके पास अलग रूम है तो वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो आप वहाँ पे एक कॉर्नर में एक जाय नमाज बिछाएं, वहाँ पे पास में आप इस तरह की इस्लामिक चीज़ें रखें अपनी एक्सेस में जो आप इबादत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके बाद आप इस एरिया में बहुत अच्छा सा परफ्यूम करें, स्प्रे, और उसके बाद आप यहाँ पे दुपट्टे जो पाक हों वो यहाँ पे रख दें, ताकि ये छोटी छोटी टिप्स जिन्होंने हमें नमाज पढ़ने से दूर किया हुआ है, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हमारी नमाज में हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो। आप यकीन करें जब आप ये करेंगे आपका ख़ुद से दिल करेगा कि मैं करूँ, अब तो कोई कमी पीछे रह ही नहीं जाती है। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी इमान अल्लाह।